सो गुड मॉर्निंग गाइस, और 7 जुलाई के करंट अफेयर्स में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यानी कि सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या रहा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 86। तो हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2019 में भारत के पासपोर्ट को 86th पोजीशन पे रखा है, और इस सूचकांक में भारत का मोबिलिटी स्कोर कितना है, 58 है। अच्छा, इसका क्या मतलब हो गया मोबिलिटी स्कोर 58 है? तो देखो, अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है ना, तो इंडिया के पासपोर्ट के साथ आप 58 कंट्रीज में बिना किसी पूर्व वीजा के यात्रा कर सकते हो। मतलब क्या हो गया, आपको पहले वीजा लेने की जरूरत नहीं है, आप उस कंट्री में चले जाओ फिर आप वीजा ले सकते हो। अच्छा, भारत तो 86th नंबर पे है, भारत का पासपोर्ट टॉप पे किसका है, तो जापान और सिंगापुर दोनों कंट्रीज टॉप पे हैं, यानी कि दोनों के पासपोर्ट जो हैं वो टॉप पे हैं। इनका मोबिलिटी स्कोर कितना है, 189 है। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था HSBC ने विदेशियों के जॉब के लिए सबसे पसंदीदा शहर किसको रखा है, स्विट्जरलैंड को रखा है। उसमें भारत का स्थान कितना था, 18 था, वो भी आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, जल शक्ति अभियान का राजदूत यानी कि एम्बेसडर किसे बनाया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आमिर खान को। तो अभी 1 जुलाई को ही जल शक्ति अभियान लॉन्च किया है हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत ने। और ये अभियान किस लिए है, जल संरक्षण के लिए और वाटर सिक्योरिटीज के लिए, जो कि हमारे देश के 256 जिलों में ये अभियान चलाया जाएगा। तो आपको याद रखना है, जल शक्ति अभियान के राजदूत कौन बन गए हैं, आमिर खान बन गए हैं। अच्छा देखो, जल शक्ति मंत्रालय की बात हुई है ना, तो आपको दो नाम पता होने चाहिए। एक तो हमारे केंद्रीय मंत्री कौन है, जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, निर्वाचन क्षेत्र है जोधपुर। वहीं राजकीय मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करेंगे तो रतन लाल कटारिया, उनका निर्वाचन क्षेत्र है अंबाला। अच्छा देखो, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या लिख रहा है, सलमान खान भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अच्छा, आमिर खान है ना, कुछ एक आध महीने पहले हमने देखा था ये आपके फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे। ऑप्शन बी है वरुण धवन, इमामी का जो नवरत्न ब्रांड आता है उसके ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। ऑप्शन डी क्या है, महेंद्र धोनी, तो अभी ये कुछ समय पहले रेड बस के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उसके पहले हमने देखा था ये ड्रीम इलेवन के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं और गो डेडी के भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर जिसका नाम है फैशन वा, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सूरत में। तो भारत का पहला डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर जिसका नाम है फैशन वा, ये गुजरात के सूरत में लॉन्च हो गया है। अब ये जो सेंटर है ना, गुजरात को फैशन डिजाइनिंग के सेक्टर में भी प्रमोट करेगा। अच्छा, बात हुई है गुजरात का है ये सूरत, तो गुजरात को देखो, ये रहा मैप में गुजरात, कैपिटल क्या है, गांधीनगर है, गवर्नर है ओम प्रकाश कोहली और मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपानी है। अच्छा याद रखना, जो सूरत है ना उसको डायमंड सिटी कहते हैं। अच्छा बताओ, किस नदी के किनारे ये है सूरत, तापी नदी के किनारे है। अच्छा, SSC 2010 में पूछा गया था दीव इज एन आइलैंड ऑफ, तो ये गुजरात का ही आइलैंड है दीव। और SSC 2016 में पूछा गया था कि किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री तट है, तो गुजरात आंसर होगा। अच्छा, भारत के सबसे बड़ा जिला कौन सा है एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो कच्छ, जो कि गुजरात का है। अच्छा, सबसे बड़ा जिला तो गुजरात का कच्छ है, सबसे छोटा जिला ये पुडुचेरी का माहे है। अच्छा याद रखना, एक बार पूछा गया था कच्छ का जो रन है ना गुजरात पे, उसे कहते हैं फ्लेमिंगो सिटी, बहुत सारी फ्लेमिंगो बर्ड्स आती है यहाँ पे। अच्छा, भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोली गई है, भारत की पहली तो इंपॉर्टेंट है, वडोदरा गुजरात में। अच्छा, वडोदरा किस बैंक का हेडक्वार्टर है, यू बताओ जरा, बैंक ऑफ बड़ौदा का। अच्छा, जो गुजरात है ना वो देश का पहला राज्य है EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण लागू करने वाला, यानी कि यहीं पे सबसे पहले लागू किया गया था इसको, और 24 घंटे दुकानें खुली रहने का बिल भी गुजरात की विधानसभा में ही पास हुआ था। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग का निर्माण किसने किया है। इंग्लिश में बोलेंगे तो इंडियाज लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेलवे टनल। सही उत्तर होगा ऑप्शन है दक्षिण मध्य रेलवे। तो दक्षिण मध्य रेलवे ने भारत की सबसे लंबी इलेक्ट्रिफाइड सुरंग बनाई है। ये चेरलोपल्ली और रेपुरु स्टेशन के बीच 6.6 किलोमीटर लंबी सुरंग है। ये टोटल 460 करोड़ की लागत से बनी हुई है, और ये घोड़े के पैर के आकार की सुरंग है। लंबाई याद रखनी है आपको, 6.6 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिफाइड विद्युतीकृत ये रेलवे सुरंग है, जो कि बनाई किसने है, दक्षिण मध्य रेलवे ने।
बात रेलवे की हुई है तो आपको याद होगा 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि भारतीय रेलवे ने कब तक मेन लाइन पैसेंजर ट्रेनों के 7,000 से ज्यादा कोचेज में सीसीटीवी कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा है। तो बताओ आंसर, 2021 आंसर होगा। अच्छा, वर्तमान में हमारे रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है, और इनको मिला है इस साल कारनोट पुरस्कार, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। अच्छा बताओ, हमारे स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। और अभी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव है। अच्छा, ट्रेन 18 के बारे में मैंने आपको हर बार बताया है। अभी वैसे ट्रेन 18 का नाम बदल गया, क्या कर दिया बदल के? वंदे भारत एक्सप्रेस, और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ट्रेन 18, जिसे आप कहते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस, ये भारत की सबसे तेज ट्रेन है। अच्छा, इस पे एक और प्रश्न ये बना है काफी बार एग्जाम में कि ये बनी कहाँ पर है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। और रशिया और चाइना के बाद विश्व की तीसरी रेलवे यूनिवर्सिटी हमारे भारत में कहाँ पर बनी हुई है? वडोदरा में। शायद पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, ये हमारे देश की पहली रेल यूनिवर्सिटी है जो कि है वडोदरा गुजरात में। अच्छा, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत का कहाँ पर है? गोरखपुर रेलवे स्टेशन में है, और ये कहाँ पर है? यूपी में है। अच्छा याद रखना, हमारा जो 18वां रेलवे जोन है ना, वो कहाँ पे बनेगा? तो आंध्र प्रदेश में बनेगा, और उसका नाम क्या है? दक्षिण तट रेलवे, साउथ कोस्ट रेलवे। अच्छा चलो बताओ, भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। बढ़ते हैं आगे। अच्छा स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको वीडियो से थोड़ा भी बेनिफिट मिलता है, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो आप वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर आप शेयर करते हो तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं प्रोत्साहित होता हूँ, और इससे मुझे और बेहतर काम करने की एनर्जी मिलती है। तो आप इसे शेयर जरूर किया कीजिए। बढ़ते हैं अब आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने CENMARG, इसका मतलब क्या हो गया? सेंट्रलाइज्ड MSME और रिटेल ग्रुप की स्थापना की है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो पंजाब एंड सिंध बैंक ने नई दिल्ली में अपने मुख्य कार्यालय में क्रेडिट सुविधाओं के लिए सेंट्रलाइज्ड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और रिटेल ग्रुप, यानी कि CEN सेंट्रलाइज्ड MARG की स्थापना की है। तो बैंक ने रिटेलर्स और MSME सेक्टर्स को ऋण देने के लिए, लोन देने के लिए इसकी स्थापना की है। अब किसने स्थापना की है? पंजाब एंड सिंध बैंक ने। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैंने अभी बता दिया आपको, नई दिल्ली में है। MD CEO कौन है? एस हरिशंकर है। अच्छा, इसकी टैगलाइन क्या है पंजाब एंड सिंध बैंक की? तो वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। अच्छा, मैंने अभी बोला MSME, MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। आप मुझे बताओ MSME मिनिस्टर कौन है? तो अगर आपने हमारा कैबिनेट मिनिस्टर का जो ट्रिकी वीडियो है वो देखा होगा, तो मैंने आपको बताया था, आंसर होगा नितिन गडकरी। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रिलायंस जियो ने किसके साथ मिलकर डिजिटल उड़ान के लिए समझौता किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फेसबुक के साथ। तो रिलायंस जियो ने डिजिटल साक्षरता पहल डिजिटल उड़ान को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया है, और इस पहल में 10 क्षेत्रीय भाषाओं में ऑडियो विजुअल प्रशिक्षण होगा, और देश में पहली बार इंटरनेट यूजर्स के लिए पहल की घोषणा की गई है। अब ये घोषणा किसके साथ की गई है? फेसबुक के साथ। अच्छा, आपको पता है फेसबुक की स्थापना हुई कब थी? 2004 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में है, और गूगल का भी यहीं पर है, कैलिफोर्निया में। अच्छा, इसके CEO और फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। अच्छा, मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था फेसबुक से कि फेसबुक 2020 यानी कि अगले साल अपनी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा, उसका नाम क्या रखेगा? वो लिब्रा। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक टोल फ्री मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 लॉन्च किया है। ये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर जो है 1076, ये 24x7 यानी कि 2400 घंटे काम करेगा, और राज्य के किसी भी हिस्से से, किसी भी कोने से आप इस नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हो और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो। अच्छा देखो, इसके अलावा मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा यूपी से। अभी यूपी सरकार ने कहा है कि 2 साल के अंदर अंदर तक राज्य के हर घर में पाइप से पानी मिल सकेगा, और इसके लिए जो परियोजना प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा ना, अगस्त 2019 से बुंदेलखंड क्षेत्र से शुरू कर दिया जाएगा। अच्छा देखो, अभी बजट में बताया गया था कि 2024 तक देश के हर घर में पाइप से पानी पहुंचाया जाएगा, और इस योजना का नाम क्या रखा गया है? नल जल योजना। बात हुई है उत्तर प्रदेश की। अच्छा, तो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया भी था कि अभी उत्तर प्रदेश में दस्तक अभियान
टू यानी कि उसका दूसरा चरण शुरू कर दिया गया है जैपनीज एंसेफलाइटिस नाम की बीमारी को खत्म करने के लिए। अच्छा मैप में ये रहा उत्तर प्रदेश, तो कैपिटल क्या है? लखनऊ है। अच्छा आप मुझे बताओ लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? कई बार मैं आपको बता चुका हूं, तो आंसर होगा गोमती नदी के किनारे। गवर्नर है राम नायक, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। अच्छा SBI क्लर्क 2018 में पूछा था फिलीबिट टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। और SBI PO 2018 में पूछा गया था अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो वो भी उत्तर प्रदेश में ही है। अच्छा भारत का पहला DNA बैंक फॉर एनिमल ये कहां पे बना था, तो UP के बरेली में। और भारत का पहला हाथी अस्पताल कहां पे बना, तो मथुरा में। और अभी इसी से रिलेटेड मैंने एक प्रश्न आपको कई बार बताया है, हाथियों का पहला जल चिकित्सालय ये कहां पे शुरू हुआ है, अभी पिछले महीने ही शुरू हुआ है शायद, तो आंसर होगा मथुरा में ही। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश के बेबीलोन को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इराक। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने इराक के प्राचीन मेसोपोटामियाई शहर बेबीलोन को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के पक्ष में मतदान किया है। ये जो बेबीलोन है ना, इसे मिट्टी की ईंट मंदिरों और टावरों की दीवारों के शहर के रूप में विकसित किया गया है। ये एक्चुअली में 4000 से भी ज्यादा साल पुराने बेबीलोन साम्राज्य का केंद्र था। अच्छा यूनेस्को की बात हुई है, तो पहले तो आप ये बताओ कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होगी, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है और इसके हेड कौन है, आद्रे उजाले हैं। अच्छा याद रखने, इस साल की स्टार्टिंग में इजराइल और USA यूनेस्को से अलग हो चुके हैं। तो अब यूनेस्को में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रह गए हैं, 193, ये भी आप याद रखना। बात हुई है इराक की, तो ये रहा मैप में इराक। कैपिटल क्या है, बगदाद है। करेंसी क्या है, दिनार है। प्रेसिडेंट कौन है, बरहाम सलीह है। अच्छा याद रखना 2018-19 में भारत का टॉप ऑयल सप्लायर कौन था, इराक ही था। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किसे यूरोपियन संसद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सही उत्तर का ऑप्शन है डेविड सासोली। तो अभी हाल ही में यूरोपियन पार्लियामेंट के अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट के रूप में डेविड सासोली को चुना गया है। अच्छा ये है कहाँ से, तो ये इटली से हैं। अच्छा आपको याद होगा कल भी मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट बताया था, यूरोपियन कमीशन यूरोपियन आयोग की नई अध्यक्ष कौन बन गई है, उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये कहाँ से हैं, ये जर्मनी से हैं। अच्छा ऑप्शन सी क्या है, डेविड लिप्टन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अंतरिम प्रमुख यानी कि इंटरिम लीडर बने कौन, डेविड लिप्टन, ये अमेरिकन है। अच्छा ऑप्शन डी क्या है, ल्यू डोंगयू, तो कई बार मैं आपको बता चुका हूँ अब आपको याद हो गया होगा, FAO के प्रमुख बने यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इंपॉर्टेंट बात क्या है इनके नाम में, ये पहले चाइनीज व्यक्ति हैं इस पोस्ट पे आने वाले। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 6 जुलाई को। तो संयुक्त राष्ट्र हर साल जुलाई के पहले शनिवार को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाता है। यह दिवस सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा इस बार की इसकी थीम भी है, थीम क्या है, कोप्स फॉर डिसेंट वर्क। अच्छा 1 जुलाई को अपन ने क्या मनाया था, नेशनल डॉक्टर्स डे राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, और 1 जुलाई को ही GST दिवस भी मनाया जाता है। 3 जुलाई को अपन ने मनाया था अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, और अब 6 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किसने कारगिल शहीदों और युद्ध के सेनानियों के सम्मान देने के लिए कारगिल श्रद्धांजलि गीत जारी किया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बिपिन रावत ने। अच्छा तो अभी आपको पता है 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, और उसका जश्न मनाने और कारगिल शहीदों और युद्ध सेनानियों के सम्मान में और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे आर्मी चीफ कौन, बिपिन रावत जी ने एक कारगिल श्रद्धांजलि गीत लॉन्च किया है। अच्छा इस गीत को तैयार किसने किया, तो संभर अनजान ने, और इसे गाया किसने, शतरदू कबीर ने। बढ़ते आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण स्वच्छता कवरेज कितने प्रतिशत तक पहुंच गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 99% तक। तो देखो 2 अक्टूबर 2014 की बात करेंगे तो देश के ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता कवरेज केवल 38% था, जो आज 99% पर पहुंच गया है। और ये सब हो पाया है स्वच्छ ग्रामीण मिशन के कारण, क्योंकि अब तक इस स्वच्छ ग्रामीण मिशन के तहत 9 करोड़ 62 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है।
अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था, दुनिया का सबसे बड़ा एकल यानी कि सिंगल सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे शुरू हो गया है। तो सही उत्तर था ऑप्शन डी, अबू धाबी में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब आपसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जिसमें आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कुछ पुराने डेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो ये रहे प्रश्न आपके सामने, वीडियो को आपको पॉज करना है और इनको सॉल्व करना है। तो मैं उम्मीद करूंगा वीडियो को पॉज करके आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। अब मैं आपको इनको सॉल्व कराता हूं, पर यहाँ पे नहीं, पजल वाले वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन का रिवीजन भी करेंगे, ताकि आपका बढ़िया रिवीजन भी होता रहे। अच्छा, अब यहाँ कॉर्नर पे देखेंगे, आपको एक वीडियो का फोटो दिखाई दे रहा होगा, जस्ट आपको उस पर क्लिक करना है और डायरेक्ट आप पजल वाले वीडियो में बिना टेंशन के चले जाओगे। अच्छा देखो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिट मिलता है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करा करें अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आप कर सकते हैं वीडियो को शेयर जरूर करा करें। अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वीडियो को कंटिन्यू रखने में मुझे भी मज़ा आएगा। देखो, अगर आपको ये प्रश्न आता हो तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं पजल वाले वीडियो में।